मतलब ये आएगा। हाँ, और इंजन ऑयल कौन सा डाल रहे हो यार? मोटुल का बढ़िया रहता है ना? ठीक है भाई, थैंक यू यार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? तो जैसे कि यार आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया हो, तो आज होने वाला है यार चीपेस्ट शॉप स्पेयर पार्ट्स की। तो जा रहे उधर साइड ही, और कुछ अपने बाइक के लिए भी सामान लेना है, क्योंकि यार और उसमें डिफरेंस दिखा दूंगा मैं, कितना डिफरेंस बैठता है एज़ कम्पेयर टू किसी से सर्विस करवाते हो और किसी से मतलब खुद पे सामान लेने में। और रास्ता दिखाने का मेन मोटिव यह है कि रास्ता बताना आप लोगों को, तो जिससे रास्ता भी पता लग जाए। तो सीधा पहुँचते हैं घंटाघर, और घंटाघर से करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि आप सामने हैं घंटाघर। और घंटाघर से लेना है लेफ्ट बोले तो मतलब प्रिंस चौक की साइड को, या फिर दून हॉस्पिटल की साइड को। बस यहाँ पर यही है यार, यहाँ की जो रेड लाइट है ना बहुत देर के लिए होती है। तो इधर से लेना है राइट, जो कि मैं बता दिया, प्रिंस चौक की तरफ को जाना है, मेन प्रिंस चौक ही जाना है देखा जाए तो। तो यार मुझे पार्ट्स तो क्या लेना है, मतलब यार अपना बाइक का सर्विस का सामान लेना है। और सर्विस का सामान इसलिए लेना है क्योंकि बहुत टाइम से सर्विस नहीं हुई है, और मैकेनिक तो यार मतलब किसी के पास, जैसे यार मैं लूँगा नहीं नाम, मतलब बहुत एक्स्ट्रा पैसे यार जिसे बोलते हैं ना। तो इसे इसलिए खुद सामान लूँगा, मैकेनिक को दूंगा, उसको लेबर चार्ज देते हैं फिर बस। और फिर चलेंगे हम लेक लॉन्ग राइड में, जो कि जल्द होने वाली है। यार इस जगह को तो जानते ही होंगे भाई, तो भाई जिसे भी स्टिकरिंग करा रही होती है वो यहाँ पर आता है, बट मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि ये पन्नी चढ़ाई हुई भी यहाँ की है, और ये क्या बोलूँ, जो इसके किनारे एजेस है ना पूरे, यहाँ पर ब्लेड ब्लूड के छाप पड़े हुए हैं। तो ये क्या करता है, पन्नी रख के यहाँ से इसने कटिंग करी तो पूरा पेंट काट दिया ब्लेड ने ना, तो इसलिए मैं यहाँ से प्रेफर नहीं करता हूँ, कि आपकी मर्जी है। तो गाइज यार ये है प्रिंस चौक, और प्रिंस चौक से लेंगे लेफ्ट, और जो शॉप है यार वो आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी होगा। किनारे मत लगाया करो यार ऐसे, एक साइड तो थोड़ी सी छोड़ दिया करो, भले ही जगह कम है बट थोड़ी जगह छोड़ देनी चाहिए। तो यार जो वो शॉप है वो बाबा करके कुछ नाम है, तो आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी होगा उस शॉप के बारे में। तो यार वहाँ से मैं अपनी बाइक का सामान लेता हूँ, फिर वो दूंगा किसी मैकेनिक को, क्योंकि ऐसे तो मैकेनिक करते नहीं है यार, जैसे जो अगर आप सामान लेके जाओगे तो मोस्ट ऑफ द मैकेनिक दे डोंट डू। भाई 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 खड्डा है उधर, अच्छे भी एक बाबा वाला है अगर आपको पता होगा ना, तो इसके बैक साइड, इधर बैक साइड में जहाँ से एक बार मैंने सर्विस करवाई थी, वो बाबा वाला भी है। तो वो भी वहाँ से भी मतलब वो भी बहुत काफ़ी फेमस शॉप है, मतलब बुलेट की सर्विस वहीं पर कराते हैं, बट वहाँ भी थोड़ा सा मैं क्या बोलूँ, मतलब एक्सपेंसिव पड़ता है यार सामान, ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। मैं अभी रेट में डिफरेंस बता दूंगा, खुद सामान लेने में सस्ता पड़ता है यार। और सस्ता क्या है यार, मेन मोटिव तो मेरा वही है कि चीपेस्ट स्पेयर शॉप दिखाना, और यहाँ से कहीं इधर उधर नहीं भाई, सीधा चलना है। तो यार गाइस जो ये शॉप है, मतलब यहाँ से ना सारे मैकेनिक यहीं से लेते हैं मतलब सामान ना, तो यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है हमेशा, जैसे कि अभी भी देख रहे होंगे भाई। तो मैं दूर से एक बारी शॉप का नाम बता देता हूँ, न्यू बाबा ऑटो, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है इधर। प्रिंस चौक से आगे पड़ता है, और सामने हरिद्वार वाली रोड चल जाती है। तो मुझे यार इस जगह का नाम नहीं पता, तो इसलिए मैंने आप लोगों को रास्ता दिखाया, और रास्ता देख के आप लोग आ सकते हैं। प्रिंस चौक से कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आना है, और ये सामने शॉप है यार, शॉप का नाम है न्यू बाबा ऑटो सेंटर। तो अब लेते हैं यार यहाँ से अपना सामान। तो जो यहाँ पर भीड़ रहती है ना, सबसे ज़्यादा मैकेनिक्स की रहती है, क्योंकि मैकेनिक यहीं से लेते हैं सामान अपना। और चलते हैं, देखो यार सामने देखो क्या थोक में जा रहा है भाई साहब, सारे बुलेट के फिल्टर जाए, भीड़ देख रहे हो यार गाइज। तो यार गाइज उनसे तो मैं इतनी बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, और इन्हें टाइम नहीं रहता यार इस समय, मतलब कभी भी आ जाओ भीड़ रहती रहती है। और मेन मोटिव मेरा शॉप को ही दिखाने का, कि अगर आपको भी कोई पार्ट चाहिए तो भाई आ सकते हैं इधर, बेस्ट प्राइस में पकड़ाते हैं। लिस्ट बुलेट वाला दे दो ऊपर का ना, एयर फिल्टर हो गया, एक इंजन ऑयल हो गया, बाकी वही दे दो सारा।
मोटी उल का देना भाई, है मोटी उल का। हाँ हाँ भाई, भीड़ देख रहे हो यार। उसमें ना रियर ब्रेक शू रहने देना। और यार इसका वो कितने का पड़ेगा यार, स्पॉकेट? हाँ 650। पूरा सेट कितने का पड़ेगा, कितने का भाई? ना ना ना, इसी का कर दो यार भाई। है थोक में जा रहा भाई इधर सारा सामान, इसे भी करवा दो यार, बुला दो भैया को यहाँ। लगा हुआ देखो ना बाइक में, यही होगा आपका भी, वो चिपका हुआ रहता ना। हाँ एकदम सामान डालते हैं बैग में और निकलते हैं भाई। ठीक है भाई यार, तो इधर से भी निकल सकते हैं हम। तो गाइस यार बाइक पीछे खड़ी है अपनी, सामान ले लिया था अपना। तो यार यहाँ पर मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि आपको यार मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि सामान में रेट में कितना डिफरेंस आता है। चीप एंड जेन्युइन दुकान है, मतलब वो कि चीपेस्ट तो नहीं हो सकता है, मतलब ये है कि आपको मार्जिन अच्छा खासा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू जो मैकेनिक से सर्विस करवाते हैं यार, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो उसमें वो सामान पे भी बहुत मार्जिन खाते हैं। तो मैं अभी आपको पूरा डिफरेंस दिखा दूंगा लास्ट टाइम सर्विस का भी, और जो मैंने अभी सर्विस का सामान लिया है तो उसका रेट दिखाता हूँ मुझे कि क्या कितने का पड़ा है। एक हो गया एयर फिल्टर, एक हो गया डिस्क पैड, एक हो गया ऑयल फिल्टर सेक्शन फिल्टर, और ये तीसरा है मोटिल को ऑयल। तो मोटिल को ऑयल में भाई ये तो प्रिंटिंग रेट 1,005 रुपये लिखा है, बट जो दुकान वाले लेते हैं मोटिल का कितने का पड़ता है यार वैसे? मोटिल का होगा 950, वो तभी भी 900 रुपये लेते हैं, बट यहाँ पर देखो 700 रुपये का लगा हुआ है। डिस्क पैड 230 है, 210 लगा हुआ है। सेक्शन जो भी है यार, ये मतलब ऑयल फिल्टर हो गया 65 रुपये का, 74 रुपये लिखा है, 50 रुपीज़ फॉर दिस। एंड एयर फिल्टर जो लगा हुआ है भाई अपना 100 रुपये है, और जो दुकान में लेते हैं यार वो कम से कम लेते हैं भाई 140 रुपये और इसके खाली एयर फिल्टर के। तो इसी चीज़ में मतलब वो काफ़ी यार, मतलब एक तो सर्विस चार्ज भी ले रहे हैं, और जो मेन बात है यार, मतलब जहाँ से मैंने पहले सर्विस करवाई थी अब मैं उसके रेट दिखाता हूँ। उसने जो ऑयल के रेट लगाए हैं यार वो दिखाता हूँ मैं, रेट भी डली हुई है, पुराना पर्चा है काफ़ी ना। तो इसमें देखो यार जो ऑयल फिल्टर मतलब इंजन ऑयल लगा रखा है इन्होंने भाई 880 रुपये का खाली, और उसके ऊपर लेबर चार्जेस भी हो गए भाई ये 700 रुपये लेबर चार्जेस का। आप बोल रहे होंगे कंपनी का फ़र्क रहता है, तो यार एक मोटिल है ये भाई, और मोटिल एक बहुत माना जाना ब्रांड है और काफ़ी सही रहता है इसका इंजन ऑयल। और जो इन्होंने इंजन ऑयल डाला था यार उसका तो कुछ अजीब सा नाम था, मतलब यार मतलब वो कैस्ट्रोल भी नहीं था ना, कैस्ट्रोल होता तो एक बारी को मैं मानता क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव है इससे मोटिल से, बट डिफरेंस देखो यार 880 700। तो ऐसे ही यार ये राइटिंग मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो गाइस यार यही था आज का व्लॉग। अगर आपको भी किसी भी स्कूटी या बाइक का कुछ भी पार्ट लेना तो भाई वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो इस वीडियो से पता लगा है, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ न्यू व्लॉग।